आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबर गुजरात के सूरत से, जहां पर ओएनजीसी प्लांट में भीषण आग लगी है। धमाके के साथ ही प्लांट धू धू कर जल उठा। फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग प्लांट के किस हिस्से में लगी है इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, इसका पता अभी तक नहीं चला है। और आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती हैं। ये प्लांट सूरत के औद्योगिक इलाके हजीरा में है। रात करीब 2 बजे प्लांट में आग लगी है। वजह कारण अभी तक पता नहीं है। लगातार दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। धमाका हुआ जिसके बाद आग के शोले भड़क उठे। 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। औद्योगिक इलाके में ये प्लांट मौजूद है, ओएनजीसी का प्लांट है। रात 2 बजे धमाका हुआ जिसके बाद आग लगी, और आग इतनी ज्यादा भयानक है कि धुएं का गुब्बार, आग की लपटें दूर से, कई किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती हैं। औद्योगिक इलाका सूरत का, जहां पर ओएनजीसी का ये प्लांट धमाके के बाद लगी आग। सूरत में औद्योगिक इलाके की ये तस्वीरें, जहां पर आसमान में दूर से ही आग की लपटें उठ रही नजर आ रही हैं। कारण वजह क्या रहे ये नहीं पता। 12 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद है। रात 2 बजे ही आग लगी है। विस्फोट हुआ पहले और फिर उसके बाद आग लगी। धमाके के बाद बॉलीवुड से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण समेत कई अभिनेत्रियों को कल समन भेजा और सभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज से ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आज जिन अभिनेत्रियों से पूछताछ होनी है, उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है रकुल प्रीत सिंह का, दूसरा बड़ा नाम सिमोन खंबाटा, तीसरा इसके अलावा दोनों को एनसीबी ने समन भेजा था कल पूछताछ के लिए, आज हाजिर होने के लिए कहा है। और कल दीपिका पादुकोण की बारी होगी, यानी कि 25 सितंबर दीपिका पादुकोण को समन जा चुका है। 25 सितंबर को उनसे पूछताछ होनी है। आज गोवा में है फिलहाल, मुंबई लौट सकती हैं। इसके अलावा श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दोनों का नाम भी है। और इन दोनों को 26 सितंबर को एनसीबी के अधिकारियों ने तलब किया है, क्योंकि उस दिन सवाल जवाब इनसे होगा, सबूतों का सच जानने की कोशिश की जाएगी। तो एनसीबी की जांच जिस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली का खुलासा होता जा रहा है। कई हाई प्रोफाइल नाम सामने आ चुके हैं जिनमें एनसीबी आज से पूछताछ उन सभी से शुरू करेगी। वहीं दूसरी ओर एनसीबी लगातार छापामारी भी करने वाली, ताकि जांच की रफ्तार सुस्त ना पड़े और इस रैकेट से जुड़े अन्य गुनहगारों को बचने का मौका न मिले। ड्रग्स मंडली डाल डाल तो एनसीबी पात पात। एनसीबी ने ठान लिया है कि अभी वो दम नहीं लेने वाली। सुशांत केस की जांच से बात आगे बढ़ी थी। शोविक और मिरांडा गिरफ्तार हुए, फिर रिया की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी का सिलसिला तेज होता गया। देखते ही देखते 20 आरोपियों को एनसीबी ने दबोच लिया। जैसे जैसे सबूत मिले, उन सबूतों की पुष्टि हुई, गिरफ्तारी होती गई। अब जांच इस मोड़ पर है कि बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण से कल पूछताछ होने वाली है। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से 26 सितंबर को एनसीबी सवाल जवाब करने वाली है। उससे पहले आज रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी से भी पूछताछ होने जा रही है। एनसीबी यहीं तक नहीं रुकने वाली। नशे के इस जाल को तोड़ने के लिए फिल्मी सितारों से पूछताछ के साथ ही जांच एजेंसी छापेमारी भी करने वाली है। खबरों के मुताबिक एनसीबी आज मुंबई में कुछ जगहों पर छापेमारी भी कर सकती है। अलग अलग टीमें तैयार हैं। कुछ टीम एनसीबी दफ्तर में अभिनेत्रियों से पूछताछ करेंगी, तो उनकी सहयोगी टीमें छापेमारी कर इस ड्रग्स रैकेट से जुड़े सबूत जुटाएंगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि छापेमारी का दायरा क्या होगा और एनसीबी के रडार पर कौन कौन है, लेकिन माना जा रहा है कि छापेमारी के दौरान कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं।
उधर अभिनेत्रियों पर एनसीबी के कसते शिकंजे को लेकर बॉलीवुड दो गुटों में बंटा नजर आने लगा है। अभिनेत्री नगमा ने ट्वीट कर एनसीबी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, जो कंगना रनौत ड्रग्स लेने की बात कबूल कर चुकी हैं, उन्हें एनसीबी समन क्यों नहीं भेज रही। नगमा ने कंगना का नाम लिखकर निशाना साधा। वहीं कंगना, जो सुशांत की मौत के बाद से लगातार हमला बोल रही हैं, कभी उद्धव सरकार पर तो कभी बॉलीवुड के कुछ सितारों पर, कभी नेपोटिज्म के नाम पर तो कभी ड्रग्स मामले को लेकर। कंगना ने भी ठान लिया है कि वो चुप नहीं बैठने वाली। तभी तो एनसीबी ने जैसे ही अभिनेत्रियों को पूछताछ के लिए समन भेजा, उन्होंने ट्वीट कर फिर हमला बोला। आखिरकार पहली बार बॉलीवुड माफिया को लग रहा है कि सुशांत को नहीं मारा गया होता और कंगना को परेशान नहीं किया गया होता। पहली बार उन्हें अपनी क्रूरता और चुप्पी पर अफसोस हो रहा है। पहली बार वो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो वक्त को मोड़ पाते और सब वापस ला सकते। ड्रग्स मामले को लेकर माना जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले समय में बॉलीवुड के कई और चेहरे बेनकाब होंगे और समर्थन विरोध का दौर और भी तेज होता जाएगा। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बॉलीवुड से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण समेत कई अभिनेत्रियों को कल समन भेजा और सभी को पूछताछ के लिए बुलाया है। आज से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होना है और आज जिन अभिनेत्रियों से पूछताछ होनी है उनमें सबसे पहला और बड़ा नाम है रकुलप्रीत सिंह का, दूसरा नाम फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का है और दोनों को कल एनसीबी ने समन भेजा था, पूछताछ के लिए आज बुलाया है। दीपिका पादुकोण को कल यानी कि 25 सितंबर को बुलाया गया है सवाल जवाब के लिए। अभी फिलहाल वो गोवा में है, अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं, मुंबई लौट रही हैं। वहीं श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का नाम भी आया, समन उनको भी कर दिया गया है। 26 सितंबर की तारीख उनको दी गई है जब उन्हें एनसीबी के अधिकारियों के सामने पेश होना है, क्योंकि वहां पर सवाल जवाब होंगे। उनके खिलाफ जितने भी सबूत मिले हैं उनका सच जानने की कोशिश की जाएगी। तो एनसीबी ने जिन सितारों को पूछताछ के लिए समन भेजा है उनमें सबसे बड़ा नाम अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नशे का माल उनके लिए जी का जंजाल बन जाएगा, लेकिन गैर कानूनी चीजें ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी। उम्मीद है कि आज दीपिका गोवा से मुंबई लौटेंगी, अपने वकीलों के साथ राय मशवरा करेंगी। दम मारो दम के आरोपों ने बॉलीवुड की बड़ी बाला दीपिका को बेदम कर दिया। सुशांत के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रियल लाइफ की मस्तानी को समन भेज दिया। कुछ लोगों को हमने एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन इशू किए हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। उनको सूचित कर दिया गया है। गवर्नमेंट के लेट डाउन प्रोसीजर, उसको हम फॉलो करते हैं। 25 सितंबर यानी कल दीपिका पादुकोण को मुंबई के एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी और ड्रग्स को लेकर सच्चाई बतानी होगी। उस माल का पूरा हिसाब देना होगा जो वो क्वान कंपनी के मैनेजर करिश्मा से मांग रही थी। जो सबसे बड़ा नाम था बॉलीवुड का वो था दीपिका पादुकोण, और आज तक ने खुलासा किया था बकायदा चैट्स के साथ, जो करिश्मा थी उनके साथ चैट्स सामने आया था। 2017 का कोको रेस्टोरेंट में पार्टी थी, वहां ड्रग्स मंगाया जा रहा था। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक को कंफर्म किया है कि दीपिका पादुकोण बॉलीवुड एक्ट्रेस, सारा अली खान बॉलीवुड एक्ट्रेस, श्रद्धा कपूर बॉलीवुड एक्ट्रेस, इन तीनों के अलावा रकुल प्रीत सिंह मॉडल हैं, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, सिमोन खंबाटा मॉडल हैं, इनको और जो करिश्मा है उनको, और उसके अलावा जो श्रुति मोदी है सुशांत की पूर्व मैनेजर, उनको समन भेजा गया। दीपिका के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा तब हुआ जब करिश्मा के साथ उनका व्हाट्सएप चैट सामने आया। आप भी वो पूरा चैट सुनिए। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर, मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। एनसीबी के पास दीपिका के खिलाफ सिर्फ यही सबूत नहीं है बल्कि कई और भी सबूत हैं। कोको क्लब की पार्टी की ये तस्वीरें देखिए। ये पार्टी 28 नवंबर 2017 के लिए है।
और व्हाट्सएप चैट में इसी पार्टी के लिए दीपिका हशीश की बातें कर रही हैं। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है। जो बोलोगे करूँगी गौतम, जैसे चाहोगे वैसी बन जाऊंगी। देखो मेरी लाइफ को गौतम, देखो मुझे एक बार, क्या है मेरे पास। बात यही खत्म नहीं होती। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने करण जौहर की जिस पार्टी का वीडियो देकर एनसीबी से शिकायत की है, उसमें दीपिका भी दिखाई दे रही हैं। एनसीबी ने सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद जब दीपिका को समन भेजा, तब वो गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रही थी। और दिलचस्प ये कि क्वान कंपनी के मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी गोवा में ही मौजूद हैं। एनसीबी के समन की खबर मिलते ही दीपिका परेशान हो गई। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दीपिका ने फौरन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से अपने वकीलों से सलाह ली। जैसे इस संबंध की जानकारी मिली, दीपिका पादुकोण को तब से बहुत परेशान है। तुरंत उन्होंने लीगल टीम से, परिवार से बातचीत की, और करिश्मा भी यहाँ मौजूद है, इसी होटल में मौजूद है, किसी से मिल नहीं रही है, परिवार वालों से लगातार बात कर रही है और लीगल टीम से बात कर रही है। कई दिनों से यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आई हुई थी, हालांकि नाम बहुत पहले उछला था उनका, लेकिन जैसे ही संबन मिला तभी वो थोड़े बेचैन परेशान हुई। एनसीबी ने दीपिका और करिश्मा को एक ही दिन यानी 25 सितंबर को बुलाया है। मुमकिन है कि एनसीबी दीपिका और करिश्मा को एक साथ बिठाकर पूछताछ करे। एनसीबी दोनों के चैट को लेकर सवाल दाग सकती है। तय मानिए, दीपिका को एनसीबी को अब सारी सच्चाई बतानी होगी। ये बताना होगा कि ड्रग्स से उनका क्या नाता है, और ये भी बताना होगा कि नशे के तार कहां कहां तक पहुंचे हैं। गोवा से अशोक सिंघल के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। दीपिका पादुकोण सबसे बड़ा चेहरा है जिनसे एनसीबी अधिकारी सवाल जवाब की तैयारी में है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एनसीबी को जानना है। आज भी तीन बड़े चेहरों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया, और इनमें पहला और बड़ा नाम है अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का, दूसरा नाम सिमोन खंबाटा का है, और तीसरा नाम है श्रुति मोदी का। आज की पूछताछ काफी अहम मानी जा रही है। अब तक मिले सबूतों के आधार पर रकुलप्रीत और सिमोन खंबाटा से सवाल जवाब में कुछ नए सच भी सामने आने की उम्मीद की जा रही है। श्रुति मोदी से भी आज एनसीबी सवाल करेगी। दीपिका के अलावा चार अन्य हसीनाओं को एनसीबी ने समन भेजा है, और इनमें रकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा के साथ ही श्रद्धा कपूर, सारा अली खान का नाम भी शामिल है। कल शाम को ही एनसीबी अधिकारियों ने श्रद्धा और सारा के घर पर समन भेज दिया था। ड्रग्स जाल में फंस गई बॉलीवुड की हसीनाएं सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा। एनसीबी ने एक साथ सबको समन भेज दिया। ये देखिए, एनसीबी के अधिकारी श्रद्धा कपूर के घर पहुंचकर समन दे दिया। सारा अली खान के घर पर भी एनसीबी का समन पहुंच चुका है। सारा और श्रद्धा के घर समन पहुंचाकर एनसीबी ने यह सुनिश्चित कर लिया कि वो जांच में शामिल हों। सारा अली खान को एनसीबी ने 26 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। श्रद्धा कपूर को भी 26 सितंबर को ही हाजिर होने को कहा गया है। वहीं रकुल प्रीत सिंह को आज ही बुलाया गया है। सिमोन खंबाटा को भी आज ही एनसीबी के दफ्तर में पेश होना होगा। सुशांत के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी आज ही पूछताछ होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ड्रग्स कनेक्शन में श्रद्धा कपूर कैसे फंसी। जब एनसीबी ने जया साहा के मोबाइल को खंगाला, तो एक ऐसा व्हाट्सएप चैट सामने आया जिसमें श्रद्धा कपूर उनसे सीबीडी ऑयल की डिमांड कर रही हैं। देखिए और गौर से सुनिए। जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। आज मैं सीबीडी ऑयल जिनके हाथ भेज रही हूँ। हाय, थैंक यू। सुनो, मैं फिर से एसएलबी से मिलना चाहती। वैसे इस चैट के अलावा एनसीबी को श्रद्धा कपूर के खिलाफ उस वक्त भी सबूत मिले थे जब जांच एजेंसी के अधिकारी सुशांत के फार्म हाउस में पहुंचे थे। फार्म हाउस के बोटमैन ने बताया था कि फिल्म छिछोरे की पार्टी में जमकर ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था, और उसमें श्रद्धा भी मौजूद थी। पावना फार्म हाउस के बोटमैन ने एनसीबी को सारा अली खान के बारे में भी जानकारी दी थी। आज तक ने सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर रईस का स्टिंग ऑपरेशन किया था।
उसने ये भी खुलासा किया था कि फार्म हाउस पर सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान आती थी। सूत्र बताते हैं कि सारा अली खान को लेकर रिया चक्रवर्ती ने भी एनसीबी को कई जानकारियां दी थी। रिया ने एनसीबी टीम को बताया कि फिल्म केदारनाथ के दौरान सुशांत और सारा एक दूसरे के करीब आए थे। रिया के मुताबिक सुशांत पहले से ही ड्रग्स लेते थे, लेकिन सारा से मिलने के बाद ही उन्होंने ड्रग्स की हैवी डोज ली थी। सुशांत को ड्रग्स की लत कैसे लगी? सुशांत कब से ड्रग्स लेते थे? जवाब मिला कि केदारनाथ की शूटिंग थी, शूटिंग की जगह ऐसी थी जहां सब कुछ ठीक था, ड्रग्स लेने के लिए वो जगह भी अच्छी थी, ड्रग्स आसानी से भी मिल रही थी, और उसी केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत अपनी को स्टार के साथ ड्रग्स ले। आज साउथ की हीरोइन रकुल प्रीत सिंह और फैशन डिजाइनर सिमोट खम्बाटा से भी एनसीबी पूछताछ करेगी। इन दोनों का नाम रिया ने पूछताछ के दौरान एनसीबी के सामने लिया था। साहिल जोशी, मुनिश चंद्र पांडे और दिवेश सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। दीपिका पादुकोण यूथ आइकन है, उनकी अदा, उनका अंदाज, उनकी फितरत, उनकी सेहत, उनकी कामयाबी सब पर कुछ लोगों को काफी ज्यादा गर्व है, लेकिन जिस दीपिका पादुकोण का जलवा बॉलीवुड के सर चढ़कर बोलता है, उनकी चमकती हुई छवि ड्रग्स के धुएं में धूमिल हो रही है। कौन मानेगा कि फाइव स्टार फिटनेस वाली ये बॉलीवुड दीवा सेहत के लिए बेहद हानिकारक ड्रग्स का सेवन करती होंगी। इनकी हाई प्रोफाइल डाइट को देखकर कौन कहेगा कि ये चरस और गांजा भी लेती होंगी, लेकिन ड्रग्स कनेक्शन की जांच ऐसे चौंकाने वाले सच सामने ला रही है। जब तक दीपिका की ड्रग चैट सामने नहीं आई थी, तब तक किसी को यह अंदाजा भी नहीं होगा कि दम मारो दम दीपिका की जिंदगी का हिस्सा, उनके फिल्मों में आदर्शों की गंगा बहती है। ऐसे में उन्हें देखकर ये कहना मुश्किल है कि परफेक्ट दीपिका की जिंदगी ड्रग्स के जाल से घिरी है। एक फिल्म के लिए करोड़ों कमाने वाली दीपिका बॉलीवुड की टॉप हीरोइन है। अपनी शोहरत की पोटली में दीपिका के पास कई हिट फिल्में हैं। 13 साल में दीपिका लगातार बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ियां चढ़ती आई, लेकिन ड्रग चैट सामने आने के बाद दीपिका के शोहरत का ग्राफ एकदम से लुढ़कने लगा। ये तस्वीर दीपिका के इंस्टाग्राम की है। दीपिका के मेन्यू में पौष्टिक डाइट की झलक है। दीपिका की डाइट वाली थाली को देखकर कौन मानेगा कि इस थाली में ड्रग्स वाला छेद भी है। हाँ, थाली में छेद से याद आया कि संसद तक ये बात गूंज चुकी है। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. ड्रग्स लेने के टी शर्ट के पीछे लिखा है लव इज ए सुपर पावर। इस पर कमेंट करते हुए दीपिका ने लिखा है एंड यू माई सुपर ड्रग। तब किसने सोचा होगा कि सुपर ड्रग पर गुमान करने वाली दीपिका ड्रग्स का इस्तेमाल करती होंगी। अब दीपिका के उस पोस्ट पर यूजर्स माल है क्या जैसे कमेंट कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दीपिका पादुकोण की पहचान एक ऐसी अभिनेत्री की तरह होती है जो जरूरी सवालों पर हमेशा अपनी राय रखती रहती है, अब चाहे वो जेएनयू का मामला हो या फिर फिल्म पद्मावत का विरोध हो। लेकिन ड्रग्स मामले में नाम आया तो उनकी जबान बंद है। अब तक दीपिका ने कोई भी बयान तक नहीं दिया है। ऐसा लगता है कि अब वो एक ही बार बोलेंगी और वो भी शुक्रवार को एनसीबी के सामने। ओम शांति ओम की शांति प्रिया से बाजीराव की मस्तानी और पद्मावत की पद्मावती तक यादगार किरदार निभाने वाली दीपिका पर ड्रग्स का दाग लग गया है। डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूं। किस्मत कहें या मुश्किलों से लड़ने की ताकत, दीपिका ने हर मुश्किल को पार किया, चाहे फिल्म पद्मावत का विरोध हो
या छपाक का बायकॉट। लेकिन इस बार ड्रग्स का ऐसा संगीन आरोप लगा है कि तकदीर के सहारे दीपिका अपना बचाव नहीं कर सकती। आरोप के दो दिन हो गए लेकिन दीपिका का अब तक कोई बयान नहीं आया। नहीं तो याद कीजिए कि जब उनकी फिल्म पद्मावत का विरोध हो रहा था तब दीपिका ने विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया था। I feel like, in fact, time and again, that the film fraternity is always targeted. And I felt like this time it kind of got way out of hand. तब दीपिका की ये राय थी, लेकिन अब वो खामोश है क्योंकि उनकी ड्रग चैट कुछ ज्यादा ही शोर कर रही है। डी का मतलब जब तक दीपिका था तब तक ठीक था, लेकिन जब डी का मतलब ड्रग्स वाली दीपिका हो गया तो फैंस भी सकते में है। दीपिका ने मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता पैदा की। यही नहीं, एसिड अटैक पीड़िताओं के मुद्दे पर बनी फिल्म छपाक में भी काम किया। इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान दीपिका जब दिल्ली आई थी तब जेएनयू में लेफ्ट राइट की जंग छिड़ी थी। दीपिका जेएनयू में जारी विरोध को मौन सहमति देने पहुंच गई थी। इससे पहले आज तक से बातचीत में बेबाकी से कहा था कि सरकार की ओर से कार्रवाई ना होना उन्हें गुस्सा दिलाता है। I feel angry कि एक तो this is happening, but at the same time the fact कि action is not being taken, ये सोचने की बात है। लेकिन जब से ये वीडियो सामने आया, जब से बॉलीवुड पर ड्रग्स को लेकर आरोप लगे हैं, तब से दीपिका खामोश है। उनकी खामोशी हजार सवालों को जन्म दे रही है। दीपिका हो या फिर एक्स वाई जेड कोई भी इंडस्ट्री का व्यक्ति हो, उस पर यह कार्रवाई होनी चाहिए। एक्ट्रेस एक्टर जब बड़े बनते हैं तो वो लोगों के ही सपोर्ट से बनते हैं, फिर वो कोई भी नाम से हो या कितने बड़े पद पे हो या कितने बड़ी कोई भी चीज हो। दीपिका और 24 घंटे खामोश रह सकती है, लेकिन शुक्रवार को उन्हें एनसीबी के हर सवाल का जवाब देना होगा। आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए आज तक, पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।